हेलो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टॉप फाइव बेस्ट स्टॉक की। उसमें से बात कर लेंगे पहले स्टॉक ITC। उससे पहले जान लीजिए कि मार्केट, जी हाँ दोस्तों, मार्केट अभी 19,350 पे चल रहा है। और इसमें सभी को जानना है कि मार्केट की इस गिरावट में कौन से स्टॉक है बढ़िया से ऐड किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, स्टॉक देखकर, सिर्फ नाम देखकर अगर वीडियो को क्लोज कीजिएगा या आगे नहीं देखिएगा तो आपकी गलती होगी। पैसा, जी हाँ दोस्तों, पैसा अच्छा से नहीं बना पाइएगा आप। टाइमिंग के साथ स्टॉक को लेवल से बाय लेवल पकड़िएगा, तभी आप टारगेट के लिए अच्छा खासा रुक सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो अभी निफ्टी, जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 19,300 के आसपास चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी का 200 का सपोर्ट है। अगर 200 सपोर्ट लेता है तो स्टॉक जो कि हम लोग बताएंगे उस लेवल पे भी नीचे आ चुका है और वहां से बाउंस बैक करेगा तो भी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉक, जैसे कि स्टॉक गिरेगा, निफ्टी गिरेगा, तो हो सकता है कि निफ्टी अब 19,800, जी हाँ सुन, 19,000 से नीचे आ जाए, जी हाँ सुन, 19,000 नीचे आ जाए, 18,800 के आसपास आए, फिर मार्केट में एक और सपोर्ट आएगा। तो हम लोग स्टॉक को तीन लेवल पे बाई करेंगे। दो लेवल आप लोग को अभी देंगे, एक लेवल और टेलीग्राम पे देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिलहाल स्टॉक को दो दो पार्ट में बाई करके चलना है। जो कि हम लोग लेवल देंगे उसी तरह से आप लोग को बाई करके चलना है। 30% अभी बाई करना है, फिर नीचे मिलता है तो 30% ऐड करेंगे। तो उस तरह से आप लोग बना सकते हैं कि 40% अभी बाई करेंगे तो 40% नीचे बाई करेंगे, अगर लास्ट में मिलता है तो 20% आई करेंगे। तो मार्केट अभी सपोर्ट पर है, तो वहाँ से स्टॉक भी सपोर्ट पे आ चुका है, तो हम लोग को बाई करके चलना है। तो पांच स्टॉक बताएंगे लेवल के साथ क्यों बाई करना है, पूरा लॉजिक समझिएगा, तो आप लोग उसमें से पोजीशन है तो बना सकते हैं या एवरेज आउट कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक ITC है। तो देख सकते हैं कि ITC अभी हम लोग को चल रहा है 435 का। जी हाँ दोस्तों, तो ये जरा सिगरेट वाला कंपनी है, FMCG से बिलोंग करता है। तो अभी 435 के सपोर्ट पे चल रहा है। देख सकते हैं कि इसका सपोर्ट यहाँ पर है, इसका सपोर्ट यहाँ के आसपास है। तो ये अच्छा रेट पे हम लोग को ITC दिख रहा है, अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग को अगर बाई करना है तो यहाँ पर हम लोग अपना 40% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी 40% ऐड कर सकते हैं। अगर नीचे मिलता है 419 के रेट पर, हम लोग फिर से सेकंड बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग का सपोर्ट है। तो समझ के लॉजिक, तो 40% 30% बाई करके चलेंगे, 70% पैसा इस दोनों के रेट में हम लोग डाल देंगे अगर मार्केट फिर डीप देता है। अगर मान लीजिए कि निफ्टी जब 18,800 के आसपास चल जाएगा, उसको नीचे अगर तोड़ता है 18,500 के आसपास, तो हो सकता है कि ITC भी थोड़ा सा और नीचे मिल जाए आप लोग को। तो वहाँ पर भी क्या करना है कि 30% जो हम लोग पास पैसा रहेगा कैश में, वो इस लेवल के पास ऐड करेंगे। जी हाँ, तो लेवल आप लोग देख लीजिए, कॉपी पेन पहले निकाल कर नोट कर लीजिए लेवल, क्योंकि लेवल हम लोग को बार बार आप लोग के सामने बताया नहीं जाएगा। लेवल आप लोग के सामने रहेगा तो आप लोग बाई पोजीशन आराम से बनाए। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए या कहीं भी अपना नोट कर लीजिए कि पहला स्टॉक है ITC। लेवल बता दे रहे हैं आप लोग को, पहला लेवल है 435 पे, जो कि चल रहा है करेंट मार्केट प्राइस। 430 से 435 के पहला क्वांटिटी डाल सकते हैं 40%। जी हाँ दोस्तों, 40% लिख लीजिए, कितना कितना पैसा कितना लगाना है, टारगेट वगैरह सब चीज़ बात करेंगे। तो पहले समझ लीजिए लेवल से कैसे बाय किया जाएगा, और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है स्टॉक का। तो 435 के आसपास, 430 के आसपास पहला बाइंग करेंगे, फिर हम लोग 400, जी हाँ दोस्तों, 415 से 420 में सेकंड बाइंग करेंगे, और लास्ट बाई करेंगे हम लोग 335 से 400 की रेट में। तो ये हो गया आप लोग का पहला फिगर ITC का, फर्स्ट बाइंग, सेकंड पॉइंट, थर्ड बाइंग कैसे करना है, 40-30-30 में, 40-30-30 में बाई करना है विथ प्रॉपर लेवल के साथ। तो ITS स्टॉक हो गया पहला हम लोग का। सेकेंड हम लोग का स्टॉक बताएंगे, उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट कर दीजिए कि जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का वीडियो और भी चाहिए लेवल के साथ, तो हम लोग स्टॉक देते रहेंगे। और जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट का लिंक मिल जाएगा वहीं पर, या आप लोग को द शेयर मार्केट जो टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं दूसरा स्टॉक है PD Lite। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा लेवल वगैरह सब निकल जाएगा आप लोग के सामने, हम लोग सब चीज़ मार करके रखे हुए, बस आप लोग को लेवल बता रहे हैं और कहाँ किस तरह से बाई करना वो आप लोग बस समझने का प्रयास कीजिएगा। देख सकते थे PD Lite हम लोग को इस रेंज में चल रहा था, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था, बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर भी अच्छा खासा देख सकते हैं कि थोड़ा सा बनाया, रेंज बनाया कि यहाँ से हो सकता है कि अपसाइड में निकले, और ये ट्रेंड लाइन भी था, तो हम लोग को एक्सपेक्टिंग था कि ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट की गिरावट के कारण ये लेवल अपना ब्रेक कर दिया। देख सकते हैं लेवल ब्रेक करने के बाद ये दूसरा सपोर्ट पे आ गया। अब ये सपोर्ट इसका क्या है, हम लोग यहाँ पीछे आकर देख लेंगे क्या सपोर्ट है। देख सकते हैं कि ये सपोर्ट इसका ये है, देख सकते हैं कि सपोर्ट किस कैसा। तो इस सपोर्ट पे हम लोग पहला क्वांटिटी ऐड करेंगे 40%,
समझने का प्रयास कीजिएगा 40%। जैसे कि बताया, हर एक चीज़ में, हर एक स्टॉक में आप लोगों को 5 स्टॉक में ही इस तरह से बाई करके चलना है, क्योंकि अगर 40% अभी डालते हैं, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, 1800 के आसपास आता है, तो हम लोग के पास फिर से बाइंग का मौका रहेगा और पैसा रहेगा, कैश हाथ में रहेगा, तो हम लोग फिर से पैसा डालकर इसको एवरेज कर लेंगे। जी हाँ, उसको एवरेज कर लेंगे, तो हम लोग 40% 30-30 करके हम लोग डालेंगे। तो पहला रेंज हम लोग का मिल गया है 2390 का। जी हाँ दोस्तों, पहला रेंज लिख लीजिए, पिडिलाइट इंडस्ट्री दूसरा स्टॉक है, रेंज है तो जी हाँ दोस्तों, रेंज है 2390 का। पहला रेंज हो गया 2390 का। सेकंड रेंज हम लोग का हो गया है यहाँ पर लगभग देख सकते हैं कि 2112 का। नोट करते जाइए लेवल्स वगैरह, और इसको बाई कैसे करना है वो आप लोग को बता दिए हैं। दूसरा लेवल है हम लोग का 2112 का। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं 2112 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, इसका निकाला तो अच्छा खासा सपोर्ट लेकर, यहाँ पर भी थोड़ा सा रुकावट हुआ, और उसके बाद बहुत ज़्यादा रैली देख सकते हैं, रैली का 2900 के आसपास स्टॉक जो अभी हम लोग को मिल रहा है 2400, उसके बाद 2200 के रेंज में मिलेगा, तो बहुत अच्छा खासा गिरावट के बाद हम लोग को स्टॉक अच्छे रेट पर मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर उठाएंगे टाइमिंग के साथ, तो अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। तो दूसरा स्टॉक ही हो गया पिडिलाइट। पहला लेवल है 2474। जी हाँ, पहले लेवल हो गया 2390 का। दूसरा लेवल हो गया 2112 का। जी हाँ, 2112 का। और थर्ड और लास्ट लेवल, थर्ड एंड लास्ट लेवल आप लोग को बता दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड एंड लास्ट लेवल बहुत रेयर केस में होता है कि आता है, लेकिन आता है तो अच्छा खासा यहाँ पर भी क्वांटिटी हम लोग के पास रहना चाहिए। लास्ट लेवल रहेगा 1900 का, अगर आता है रेयर केस किसी भी तरह का मार्केट क्रैश वगैरह, कोविड वगैरह जो न्यूज़ आया था उस कारण से, अगर किसी भी तरह का बैड न्यूज़ ग्लोबल के कारण मिलता है 1900 के रेट पर, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। जी हाँ, 2900 का स्टॉक अगर 1900 में मिलेगा तो कौड़ी के भाव में मिलेगा, और स्टॉक हम लोग जो आप बता रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो ऐड करके चलिएगा। तो दो स्टॉक हो गया है, दोनों का लेवल आप लोग के सामने रख दिए हैं। टारगेट हम लोग एक बार बताएंगे आप लोगों को कितना टारगेट रखने का, बस स्टॉक को देखते जाइए और ऐड करते जाइए। तीसरा है एवेन्यू सुपरमार्ट। जी हाँ, एवेन्यू सुपरमार्ट हम लोग प्राइवेट चैनल में पहले से बोल रहे थे कि ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, हर एक डिप में ऐड कीजिए। जब इस पे ही ऐड था तो हम लोग इसी रेंज पे बता रहे हैं कि ऐड करिए, उसी गिरावट में तो देख सकते अच्छा खासा तेज़ी बन चुका है, तो तेज़ी में थोड़ा सा रुक कर ध्यान दीजिएगा। इसका लेवल रहेगा पहला 3800। जी हाँ, इसका लेवल रहेगा पहला 3800। इस लेवल पर हम लोग बाई करेंगे, 3800-3700 के बीच में हम लोग ऐड करेंगे। दूसरा लेवल रहेगा 3350 का। जी हाँ, तो 3350 का रहेगा, अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, जो कि अगर ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग को 3335 का रेंज मिलेगा। इस पर ऐड करना है सेकंड क्वांटिटी एंड थर्ड एंड लास्ट क्वांटिटी। जी हाँ, थर्ड एंड लास्ट क्वांटिटी ऐड करना है, जो कि हम लोग ऐड करेंगे 2800 पे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग थर्ड एंड लास्ट क्वांटिटी ऐड करेंगे 2800 के आसपास, देख सकते हो। तो इस तरह का लेवल है, लेवल नोट कीजिए, लेवल देखिए मत, लेवल नोट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो फिर से देखिएगा लेकिन लेवल को नोट कीजिएगा। तो 3 स्टॉक हो चुका है, वीडियो को पहले लाइक करिए। जी हाँ, लाइक कीजिए, अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए पहले, लाइक करने के बाद कमेंट कीजिए, और उसके बाद जी हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग उसी पे अपडेट करेंगे, जो कि अगर लेवल मिलेगा नीचे आएगा तो उसको हम लोग अपडेट करते रहेंगे कि हाँ एवरेज अर्न करिए और डालते रहिए। तो पहला स्टॉक आप लोग समझिए ITC, दूसरा स्टॉक हो गया पिडिलाइट, तीसरा हो गया एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि डीमार्ट हो गया। पहला लेवल 3800 पे बाई करेंगे, सेकंड 3350 के आसपास, और लास्ट एंड रहेगा 2800 के आसपास। तो हो गया हम लोग का 3 स्टॉक। लास्ट स्टॉक है विप्रो। जी हाँ दोस्तों, लास्ट नहीं क्योंकि चौथा स्टॉक है, और लास्ट स्टॉक हम लोग बताएंगे आप लोग को टेलीग्राम पे, जो कि टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ है अवेलेबल पहले से, तो जो भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको पता चल गया होगा, नहीं तो वहाँ पर आप जो कि अपडेट हो जाइए, उसका लेवल वगैरह सब चीज़ टेलीग्राम पे दिया हुआ है, कमेंट में लिंक है, या आप टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर सकते हैं लेवल से। लास्ट स्टॉक है विप्रो। जी हाँ, लास्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो हम लोग को देख सकते हैं कि इस रेंज में चल रहा था, देख सकते हैं कि इस रेंज में चल रहा था, तो इस रेंज को ब्रेकडाउन करके अपने सपोर्ट के आसपास आने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, अपने सपोर्ट के आसपास आने का प्रयास कर रहा है, कि सपोर्ट कौन है सा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका सपोर्ट है, ये सब सपोर्ट है, ये सब, तो ये सपोर्ट पे आने का प्रयास कर रहा है। तो पहला लेवल रहेगा विप्रो का बाइंग रेंज 396। दिया जो 396 में विप्रो का पहला बाइंग करेंगे 40%, जो कि बताए हैं, फिर 376 पे 30%, जो कि हम लोग आप लोग बताए हैं, और लास्ट एंड फाइनल लेवल रहेगा 350 का। जी हाँ, देख सकते कि यहीं से बाउंस बैक किया था, कितना बेहतरीन कैंडल है यहाँ पर, इसको अगर आप लोग कैंडल जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो और भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हैं, शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं आप लोग,
तो आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस कैंडल को बारे में जरा सा ध्यान में रखिएगा, सर्च कीजिएगा और 350 से 60 के लेवल पे थर्ड क्वांटिटी लास्ट क्वांटिटी ऐड करेंगे। मार्केट इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा और मार्केट यहाँ से जब हम लोग इसको एवरेज आउट करते चलेंगे तो हम लोग को, जी हाँ दोस्तों, हम लोग का एवरेज नीचे आ जाएगा। लगभग हर एक जो कि बाई करेंगे उस रेंज में तो हम लोग का एवरेज आउट सेकेंड के आसपास आ जाएगा। तो हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, जी हाँ दोस्तों, टारगेट हम लोग रखेंगे जहाँ से हम लोग का एवरेज आउट होगा वहाँ से हम लोग पहला 20-25% का टारगेट रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 20-25% का टारगेट रखेंगे और 20-25% जैसा ही हम लोग का टारगेट अचीव्ड होता है तो हम लोग इसको ट्रेल करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जैसा मोमेंटम रहेगा वैसा ट्रेल करते रहेंगे या हम लोग बुक भी करते चलेंगे। प्रॉफिट जहाँ पर अपडेट हम लोग को लगेगा कि बुक करना चाहिए वहाँ पर हम लोग टेलीग्राम पे आप लोग को अपडेट करेंगे कि प्रॉफिट बुक करते चलिए या ट्रेल करना है तो ट्रेल करते जाइए। और हम लोग ट्रेल करते हुए 20-25% का जब आगे बढ़ता जाएगा तो सही हम लोग ट्रेल करते हुए चलते रहेंगे। तो चार स्टॉक हुआ, पाँचवा स्टॉक हुआ जो कि टेलीग्राम पर अपडेट किया हुआ है, जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर हम लोग ने टेलीग्राम पे डाला है स्टॉक को फर्स्ट ही। जी हाँ दोस्तों, अभी अपडेट किया थोड़ा देर पहले तो उसको देख लीजिएगा। द शेयर मार्केट जो टेलीग्राम चैनल का कमेंट में लिंक मिल जाएगा या सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। बाकी किसी तरह का दिक्कत हो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में तो बंच बंच स्टॉक में, और लाइक करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में तो बंच बंच स्टॉक, तब तक के लिए बाय बाय।